नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा होम लोन टेक ओवर या होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र क्या है और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किस तरीके से आप अपना होम लोन अकाउंट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि होम लोन में टेक ओवर यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना होम लोन ले जा रहे हैं तो क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट है लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट में चाहे कितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा हो, SBI से कम कोई नहीं दे सकता। अगर आप पिछले 20 साल का ग्राफ देखोगे तो SBI ने 19 ईयर में सबसे लोएस्ट रेट तो उसी ने दिया होगा। दूसरा, टॉप अप होम लोन, यानी कि आप अपना जो होम लोन ट्रांसफ़र करवा रहे हैं आप उस पर एक्स्ट्रा टॉप अप भी ले सकते हैं। मान के चलिए 15 लाख की आउटस्टैंडिंग का अगर आप ट्रांसफ़र करवा रहे हैं HDFC से, तो आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली आप उस पर और टॉप अप ले सकते हैं। तीसरा, नो प्रोसेसिंग फीस। जनरली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में टेक ओवर केसेस में कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती। ये कैंपेन टाइम टू टाइम चलते रहते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 99% आपके लोन पर कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी। तीसरा, कोई हिडन चार्ज नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मतलब ही ट्रस्ट है। ये प्राइवेट बैंकों की तरह नहीं है कि यहाँ पर आपसे कहा कुछ और जाएगा और होता कुछ और है। स्टेट बैंक में चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं, आपको कोई भी हिडन चार्जेस नहीं देने। अब मैं इस PPT में मैं सिर्फ होम लोन टेक ओवर के लिए बात करूँगा। अगर यदि आपको होम लोन के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर दीजिए, वहाँ पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है जो सिर्फ होम लोन के रिगार्डिंग है कि क्या एलिजिबिलिटी है, कितना क्या EMI मिल होती है। आप उस वीडियो को देखिएगा, इसमें सिर्फ टेक ओवर में जो कुछ अलग है वो मैं बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, अगर यदि आप होम लोन टेक ओवर करवा रहे हैं तो सबसे जो कुछ डॉक्यूमेंट जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला है होम लोन अकाउंट स्टेटमेंट, यानी कि जहाँ भी आपका होम लोन चल रहा है आपको वहाँ का 1 या 2 साल का स्टेटमेंट ला के पहले देना होगा, ताकि उससे हमें ये पता चल जाए कि आपका कोई डिफॉल्ट या आपका कभी अकाउंट NPA तो नहीं हुआ है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वैल्यूएशन और TIR रिपोर्ट, ITR और फॉर्म 16, 6 महीने की सैलरी स्लिप, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और एसेट लाइबिलिटी स्टेटमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। अब होता क्या है कि होम लोन और बैलेंस ट्रांसफ़र में जो प्रोसेस है वो लगभग सेम होता है। सिर्फ ये होता है कि बैंक जब आपको सेंक्शन लेटर दे देता है होम लोन का, तो आपको जहाँ पर आपका होम लोन चल रहा होता है वहाँ आपको जाना होता है। वहाँ उनको रिक्वेस्ट करनी होती है कि आप मुझे NOC दीजिए कि मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपका होम लोन टेक ओवर करवा लिया है, आपकी कितनी आउटस्टैंडिंग है उसकी मुझे NOC दीजिए या मुझे राइटिंग में दीजिए। तो ऐसा करने के बाद आप बैंक से वो लेटर ले आएंगे, वो लेटर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सबमिट करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसको स्क्रूटनाइज करके, उसको देख के जो आउटस्टैंडिंग है आपकी दूसरे बैंक में उसको ट्रांसफ़र कर देता है। तो एक बार क्या होगा कि अब आपका पैसा, आपकी जो आउटस्टैंडिंग है दूसरे बैंक में वो 0 हो गई है और स्टेट बैंक में आपकी आउटस्टैंडिंग खड़ी हो गई है। अब आप दूसरे बैंक में जाते हैं, वहाँ से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेके आते हैं और अपने सारे डॉक्यूमेंट लाते हैं और स्टेट बैंक में जमा कर देते हैं। तो इस तरीके से ये आपका एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र या टेक ओवर का। मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में योनो ऐप के माध्यम से आप किस तरीके से होम लोन एंड टेक ओवर का एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। योनो से जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो उसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि अगर यदि जो इस ब्रांच में आप अप्लाई कर रहे हैं वह उसको आसानी से रिजेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि योनो से जो भी लोन अप्लाई होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन ऊपर हायर अथॉरिटी तक होती है। तो कई बार जब आप जाते हैं कि मुझे ब्रांच रिस्पॉन्स नहीं कर रही, तो जब आप योनो से अप्लाई करते हैं तो ऐसा कोई मैटर नहीं है, यानी कि ब्रांच ने आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है। अब बात यह है कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी और सब कुछ ठीक रहा तो आपको होम लोन मिल जाएगा। ये मेरा एक छोटा सा वीडियो है। आपके सामने योनो ऐप खुली हुई है, इसमें आपको लोन्स में जाना है। लोन्स में आप होम लोन्स में जाएंगे, वहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा अवेल टेक ओवर। आप अवेल टेक ओवर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद एक नई विंडो खुलेगी आपके सामने, जिसके अंदर पूछा जाएगा कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है या अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे मेरी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो फिर मैं डिटेल कर दूंगा। फिर मुझे एग्जिस्टिंग लोन्स की डिटेल डालनी है कि प्रेजेंटली मेरा कितना आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट रेट कितनी चल रही है वहाँ पर, और मैं कितनी ईएमआई वहाँ भर रहा हूँ। फिर मुझे अगर यदि मैं टॉपअप लेना चाहूँ या वहाँ पर मैंने टॉपअप लिया हुआ है तो मैं उसकी डिटेल डालूँगा। फिर मुझे अदर्स डिटेल डालनी है, रिमेनिंग टेन्योर कितना बचा है मेरा, टोटल मार्केट वैल्यू मेरी प्रॉपर्टी की कितनी है। फिर मुझे बैंक सेलेक्ट करना है जिससे मेरा लोन चल रहा है। जैसे मेरा एचडीएफसी बैंक से चल रहा है तो मैं एचडीएफसी बैंक सेलेक्ट कर लूँगा। मैं नेक्स्ट करूँगा। मैंने ईएमआई की वैल्यू थोड़ी गलत डाल दी है, तो यहाँ पर जो ईएमआई की जो एक्चुअल वैल्यू है वो मुझे डालनी है। उसको करेक्ट करने के बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। फिर मुझे बेनिफिट यहाँ पर सिस्टम बताएगा कि अगर मैं लोन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट है। जैसे एसबीआई में अब मुझे ईएमआई देनी पड़ेगी 13,821, यानी कि 2,2100 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, और मेरा लोन 40 महीने पहले बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से सिस्टम खुद कैलकुलेट करके बता देता है आपको कि आपको एसबीआई में कितना फ़ायदा। फिर आप आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के बाद आपकी डेट पॉपुलेट होंगी। फिर आपको आपका स्टेटस सेलेक्ट करना है। स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, फिर आप यहाँ पर अल्टरनेट अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालेंगे। फिर आप फादर नेम डालेंगे यहाँ पर। या फिर आप मदर नेम डालेंगे। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी वो डालेंगे आप। यहाँ पर जो आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ एग्जैक्टली डालना है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट सब सब डिस्ट्रिक्ट ये सब सेलेक्ट करना है। अगर आप कुछ चीज़ें गलत सेलेक्ट कर लेंगे तो सिस्टम आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, तब तक आप जो रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स आप फीड ना कर दें तब तक। रेजिडेंशियल टाइप, फोन स्टेटस, मंथली कब से रह रहे हो, कितने मंथ से वहाँ रह रहे हो। फिर आप अगली डिटेल पे जाएंगे, यहाँ पर फिर आपका जॉब स्टेटस बताएगी, आप सैलरीड क्लास हो, पर मंथ कितनी इनकम है आपकी, वो यहाँ आपको एंटर करना है। मंथली रेंटल इनकम कोई होती हो तो वो एंटर करना है। फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या क्या हो, वो रिटायरमेंट एज आपकी कितनी है, कितने साल से आप काम कर रहे हो, कितने साल से प्रेजेंट जॉब में, ये भी आपको एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर ऑफिस की डिटेल्स डालनी है, ऑफिस का यानी कि एड्रेस डालना है, जहाँ भी आपका ऑफिस है उसका पूरा एड्रेस आप यहाँ पर डालेंगे। पिन कोड डालेंगे आप यहाँ पर। यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे आप, फिर विलेज और टाउन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करेंगे आप, फिर आप नेक्स्ट कर देंगे।
यहाँ लोन का पर्पस आपको सेलेक्ट करना है, लोन किस पर्पस के लिए, यानी कि मेरा ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है तो मैं दर्ज कर दूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा। लोन रीपेमेंट, फिर मुझे टिक करना है कि अगर मेरे पास दो हाउस हैं तो टिक करना है, नहीं तो नहीं। अगर कोई और ईएमआई चल रही है तो वो मुझे ऐड करना है, फिर मुझे टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री करके आगे बढ़ना है। एक बार मैं और इसको रिव्यू कर सकता हूँ, वहीं कोई चीज़ है तो आप नेक्स्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर ऑफिशियल ईमेल आईडी मैंने लिखना भूल गया था, तो सिस्टम आपको रोक देगा, जब आप इसको पूरा करेंगे तभी आपको सिस्टम आगे बढ़ने देगा। फिर आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आप अगर यदि को एप्लीकेंट किसी को बनाना चाहते हैं तो उसको आप ऐड कर दीजिए, नहीं तो आप स्किप को एप्लीकेंट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी की डिटेल डालनी है, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी का क्या एड्रेस है, क्या फ्लैट है या क्या है। जैसे कि मैं यहाँ अपने जो मेरा जो प्रॉपर्टी जिसके अगेंस्ट मैंने लोन लिया है, मुझे उसकी यहाँ डिटेल डालनी है, वैल्यू डालनी है, नंबर ऑफ फ्लोर्स डालने हैं, कितना एरिया है उसका वो मुझे यहाँ डालना है। फिर मैं नेक्स्ट कर दूंगा। फिर यहाँ पर आता है सेलेक्ट प्रॉपर्टी टाइप, मेरा जैसे कहीं ना रेरा में लिस्टेड है तो मैं नोट लिस्टेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि प्रोजेक्ट नेम कुछ है नहीं, मेरा हाउस ही है, तो हाउस में सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं हाउस का अपना पूरा यहाँ पर एड्रेस डाल दूंगा। मेरे हाउस का जो भी एड्रेस है वो मैं यहाँ फीड कर दूंगा। यहाँ पर मैं अपनी स्टेट सेलेक्ट करूँगा, सिटी सेलेक्ट करूँगा, फिर मैं नेक्स्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर मुझे सिस्टम दिखा रहा है कि मुझे क्या ऑफर है। लोन मुझे 15 लाख का मिल सकता है, जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 रहेगी, और मैं यहाँ पर ईएमआई अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता हूँ टेन्योर के अकॉर्डिंगली। जैसे मैं 15 साल का टेन्योर चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 180 मंथ लिख दूंगा, तो मुझे यानी कि मेरी ईएमआई पता चल जाएगी कितनी ईएमआई मुझे देनी है, 13,906 रुपये मुझे ईएमआई देनी है। फिर मैं नेक्स्ट कर दूंगा। फिर यहाँ पर सिस्टम खुद ऑटोमेटिकली चेक करेगा एप्लीकेशन को, मतलब यानी कि वो सिविल वगैरह और दूसरी चीज़ें खुद अपने अकॉर्डिंगली चेक करता है, आपका अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह कुछ। ये बैकएंड का प्रोसेस है तो वो एसबीआई डिस्क्लोज़ नहीं करता कि सिस्टम क्या खुद के क्या चेकर लगाए हुए हैं। आपको 30 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा, 30 सेकंड के बाद आप यहाँ पर आपको एक व्यू स्टेटस जो दिख रहा है आप यहाँ पर स्टेटस व्यू करके देख सकते हैं। तो आप स्टेटस व्यू करके देखेंगे तो आपके सामने दिख जाएगा कि आपका होम लोन रिकमेंड हो चुका है। होम लोन यानी कि होम लोन फॉर इंडिविजुअल 15 लाख का आपका इस रेट पे एप्लीकेबल है। अगर आप इसमें चूज़ कर सकते हैं, और भी प्रोडक्ट है, अगर किसी और को चूज़ करना चाहें तो आप इसको चूज़ करके फिर नेक्स्ट कर देंगे। फिर आप ब्रांच सेलेक्ट करेंगे कि आपकी जो होम ब्रांच, अगर आप उसी को ही टिक करना चाहते हैं तो टिक ऑलरेडी रहेगा। फिर आप कंफर्मेशन की बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, कि आपका होम लोन योनो के माध्यम से अप्लाई हो चुका है। और ये आपके सामने एक मैसेज भी आया हुआ है, और हाँ, आप इसमें से जो फॉर्म है इसको आप खुद डाउनलोड कर सकते हो। जो डाउनलोड का जो ऑप्शन है आप यहाँ पर क्लिक करके उस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर एक ऑप्शन और है कि आप खुद अपने डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके का आपके पास मैसेज आएगा जिसके अंदर एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा होम लोन का। ये मैं आपके सामने मैसेज दिखा रहा हूँ, डियर एप्लीकेंट होम, तो आपको ये रेफरेंस नंबर संभाल के रखना है। अब आइए हम देख लेते हैं कि जो हमारा प्री अप्रूव्ड जो है वो कैसे मिलेगा हमें। प्री अप्रूव्ड जो हमने डाउनलोड किया हुआ है,
इस तरह का मेरे पास एक प्री सेंक्शन अप्रूवल लेटर आ जाएगा मेरे नाम से, जिसके अंदर सारी डिटेल्स रहेंगी कि एसबीआई मुझे कितने लाख का लोन ऑफर कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। तो मुझे ये जो प्री अप्रूवल सेंक्शन लेटर है ये ले जाके ब्रांच में देना होगा, और जो भी रिक्वायरमेंट आगे की जो फॉर्मेलिटी है वो मैं कर सकता हूँ। तो इस तरीके से बड़ा आसान है योनो से अप्लाई करना। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और मैं जनरली बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो ही बनाता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए, ताकि और लोगों तक ये अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।